चैनल मेरे चैनल शिखास किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। गेहूं को साल भर तक किस तरह से स्टोर करना है, बस आज मैं आपको यही बताने वाली हूं। बारिश का मौसम आते ही ज़्यादातर अनाजों में कीड़े लगने का डर ज़्यादा हो जाता है, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं, चाहे कोई भी अनाज हो। तो गेहूं को हम लंबे समय तक कैसे स्टोर करें, साल भर कैसे स्टोर करें? तो पुराने समय में तो दोस्तों जब भी गेहूं को टंकियों में भरा जाता था तो उसमें लगाते थे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल, जिसे कि हम हिंदी में अरंडी का तेल भी कहते हैं, बहुत ही बढ़िया होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच तेल लेना है और बस करीब करीब ये पूरा डब्बा भर के जो गेहूं है दोस्तों, पूरे चारों तरफ आप इसमें खूब अच्छी तरह से मल लें। ये देखें, इससे क्या होता है दोस्तों, गेहूं में साल भर तक कीड़े नहीं लगेंगे। आप ये ना सोचें कि अरे ये अरंडी का तेल है, नुकसान करेगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। बल्कि इस गेहूं को जब आप चक्की में पिसवाएंगे, इसका जब आप आटा तैयार करवाएंगे दोस्तों, तो इसके आटे से बनी हुई जो भी चपातियाँ हैं वो बहुत ही नरम बनेंगी, स्वादिष्ट भी बनेंगी, और कैस्टर ऑयल तो वैसे भी बहुत हेल्दी होता है। साथ ही गेहूं को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए एक तरीका और है, नमक। खड़ा नमक लिया है दोस्तों मैंने, परंतु आप बोलेंगे कि मेरे पास खड़ा नमक नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा रेगुलर नमक होता है ना दोस्तों, जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, उसे बस एक कागज़ की पुड़िया बना लें और उस पुड़िया को भी आप गेहूं की टंकियों के बीच बीच में कम से कम 8 से 10 नमक की पुड़िया को फंसा दें। या फिर एक तरीका और है दोस्तों, ये माचिस की डब्बी होती है, आप देख रहे हैं जो माचिस की तीलियां होती है, ऊपर ये जो ब्राउन लगा है और साइड में जो इसका डब्बे में लगा है दोस्तों, उसमें होता है सल्फर। सल्फर की गंध बहुत ही तीखी होती है और इसकी गंध से भी अनाजों में कीड़े नहीं लगते हैं। तो आप चावल के डब्बे में, गेहूं के डब्बे में, दाल के डब्बे में भी माचिस की एक डिब्बिया रख सकते हैं। और मान लीजिए गेहूं में कीड़े लग ही गए हैं दोस्तों, तो बाज़ार में फिर मेडिकल स्टोर में आपको ये पारद की टिकड़ी मिल जाएगी। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में आप इसे ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये जो पारद की टिकड़ी है दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, परंतु आपको ऐसे ही गेहूं में नहीं डालना है। इसकी बढ़िया अच्छी पोटली बना लें। आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल रंगीन कपड़ा लिया, जितना कलर्ड कपड़ा होगा वो हमें दिखाई देगा। कई बार हम जल्दी में होते हैं और जब गेहूं को पिसवाते हैं, चक्की भेजते हैं दोस्तों पिसवाने के लिए, डब्बा भरते हैं, तो कई बार ये गोली ऐसा नहीं कि गेहूं के साथ चली जाए, इसलिए आप इस तरह से पॉलीथिन में रखें, जिप लॉक बैग में रखें, या फिर रंगीन कपड़े की पोटली बना लें ताकि हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे दे ये पोटली। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक तरीका दोस्तों, जो पुराने समय से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो है नीम की पत्तियाँ। नीम जो कि एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और बहुत बढ़िया अच्छा कीटनाशक है। इसकी भी बहुत ही तेज तीखी गंध होती है दोस्तों। यदि आप नीम की पत्तियों को गेहूं में रखेंगे तो भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने कुछ नीम की पत्तियों को सुखा लिया है, पॉलीथीन में पैक कर दिया है और पॉलीथीन में 3 से 4 इस तरह से टूथपिक की मदद से छेद कर दिए हैं ताकि नीम की पत्तियों की खुशबू धीरे धीरे से इसमें से आती रहे और हमारे अनाजों में कीड़े लगने ना पाए। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर आप सूखी नीम की पत्तियां ऐसे ही रखेंगे दोस्तों, तो नीम की पत्तियां सूखने के बाद टूट जाती हैं और टूटकर गेहूं में मिक्स हो जाएंगी और जब आप आटा पिसवाएंगे तो आटा कड़वा हो जाएगा। इसलिए आप पॉलीथिन में रखें, आप कपड़े की पोटली बनाकर रखें, किसी भी पतले कपड़े की पोटली बनाएं। तो ये कुछ एकदम सूखी नीम की पत्तियाँ भी आपको दिखाई मैंने दोस्तों। इसके अलावा नीम के पेड़ की जो लकड़ियाँ होती हैं, आप चाहें तो इनकी कुछ लकड़ियों को भी इस तरह से गेहूं की टंकी में आप इसे लगा सकते हैं। इसके अलावा आप नीम की गोलियां बना सकते हैं दोस्तों। यहां पर मैंने कुछ नीम की पत्तियां ली हैं और अब इन नीम की पत्तियों को ग्राइंडिंग जार में डालकर बढ़िया अच्छा फाइन पेस्ट बना लूंगी। जरूरत पड़े तो 1 चम्मच पानी डालें और फिर पेस्ट बना के इसकी आपको छोटी छोटी सी गोलियां बनाना है और इन गोलियों को धूप में सुखा लेना है। आप देख सकते हैं मैंने भी इनकी गोलियां बना ली है, धूप में सुखा दिया था 2 दिन तक के। तो अब ये नीम की पत्तियों की जो गोलियां हैं दोस्तों, ये बिल्कुल तैयार है। इसे भी अगर आप अपने गेहूं की टंकी में रखेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप साल भर तक आपके गेहूं में, चावल में या किसी भी अनाज में कीड़े नहीं लगेंगे। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इन चीज़ों का। यदि आप चाहते हैं तो किसी पॉलीथिन में, जैसे मैंने रख के दिखाया, वैसा भी रख सकते हैं। पॉलीथिन में 8 से 10 बारीक बारीक छेद कर दें या पतले कपड़े की पोटली बनाकर रख सकते हैं।
तो जो तरीका आपको अच्छा लगे दोस्तों आप उसे अपनाएं और अपने अनाजों को बारिश के मौसम में खासकर कीड़े लगने से बचाएं। अगर कीड़े लग भी गए हैं तो भी कीड़े निकल जाएंगे नीम। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा।